गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 टर्म 1 साइंस लेसन नंबर 7 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि सॉलिड यानी कि ठोस यानी कठिन, तरल पदार्थ और गैस। ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड ऑफ मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपेशन स्पेस इज कॉल्ड मैटर। टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर इटीसी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स। मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मस्कुलर्स। यू कैन सी दिस मस्कुलर्स थ्रोस अ माइक्रोस्कोप। ऑल चीज़ें जैसे कि ऑल चीज़ें इन्वाइट या होनीवेट पदार्थ से बनी हो, किसी भी चीज में द्रव्यमान होता है, जैसे कि सारी काल, जल, दूध, क्षार आदि सभी द्रव्य के उदाहरण है। स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर्स मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस मैटर के 3 स्टेज होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर्स इन सॉलिड, वी नो दैट सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड दे कैन नॉट फ्लो। इन सॉलिड्स मस्कुलर्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। सो सॉलिड्स आर हार्ड, रिजिड, हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड में अणु की व्यवस्था, हम जानते हैं कि ठोस का एक निश्चित आकार और एक मात्रा होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ जो सॉलिड होती है, कठिन होती है, उसका एक निश्चित आकार होता है और वे प्रवाही नहीं हो सकता। ठोस पदार्थों में अणुओं को बहुत ही बारीक तरीके से पैक किया जाता है, वहाँ उनकी बीच आकर्षण का एक मजबूत बल बनाया जाता है। और जैसे कि सॉलिड पदार्थ को कोई भी निश्चित आकार होता है और वॉल्यूम और प्रवाह नहीं हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर्स इन लिक्विड, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड की कोई फिक्स शेप यानी कि आकार नहीं होता, लेकिन उसकी जगह फिक्स होती है। दे कैन फ्लो ऑल्सो इन लिक्विड, द मस्कुलर्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो द मस्कुलर्स इन लिक्विड्स कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, दिस मेक्स लिक्विड्स फ्लो। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पर्ड इन इट। तरल पदार्थ की अणु की व्यवस्था, तरल पदार्थ में आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन वो एक निश्चित जगह में स्थित होता है, जैसे कि ऑल्सो प्रभावित कर सकता है। तरल पदार्थ में अणु कमजोर होने के कारण एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल होता है, वो अणु में लिक्विड ले जा सकता है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर्स इन गैस, इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मस्कुलर्स इज वेरी वीक, सो द मस्कुलर्स इन गैसेस आर फेयर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर फ्री टू मूव। दिस मेक्स द गैस फ्लो इजीली एंड फिल द कंटेनर कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। गैस के अंदर अणु की व्यवस्था, इन गैसों अणु के अंदर बीच आकर्षण का बल होता है, वो अणु गैसों के अंदर प्रत्येक के अलावा दूर हो सकता है और वह स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे कि बलून के अंदर हम गैस भरते हैं तो अपने आप वो उड़ जाता है। चेंज ऑफ स्टेट। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट मैटर कैन चेंज फ्रॉम टू अनदर ऑन द हीटिंग और कूलिंग। डू यू नो हाउ दिस हैपन्स? लेट सी द इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन द मसल्स ऑफ मैटर। पिछली कक्षाओं में आपने सिखा है कि गर्म करना या ठंडा करना का आप कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आइए देखिए कि पदार्थ को गर्म और ठंडा कैसे किया जाता है। इम्प्रूवमेंट यानी कि माप, द चेंज ऑफ लिक्विड इंटू गैसेस स्टेज इन कॉल्ड इवोपरेशन। वेन वाटर इज हीटेड इन चेंजेस इंटू वाटर वेपर, दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द वाटर मस्कुलर्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, दे बिकम फ्री एंड एस्केप इंटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली। गैसीय व्यवस्था में तरल के परिवर्तन को वाष्पीभवन कहा जाता है।
कब पानी गर्म होता है, यह जल वाष्प के बदल से जाना जाता है। जैसे कि हम गैस पे पानी उबालने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर से जो गैस हवा निकलती है वह उसके वजह से पता चलता है हमें कि पानी गर्म हो गया है। इसकी वजह यह हीटिंग पानी के अणु तेजी से बढ़ने लगते हैं। कंडीशन व्हेन स्टीम गैस क्लोज कोल्ड इट कंडीशन टू फॉर्म वाटर अगेन दिस हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम सॉल्व दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड कम लूज कम क्लोज टू ईच अदर टू फ्रॉम वाटर द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट इन टू लिक्विड स्टेट इज अ कॉल कंडेंसेशन। जब बाहर ठंडी जाती है तो यह पानी के रूप में संघनित होती है। ठंडे होने पर पानी की गति के कारण यह होता है, अणु धीमा हो जाते हैं और इस स्थानांतरण करने और आने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है। पानी बनाने के लिए एक दूसरे के करीब होता है। मेल्टिंग आइस इज अ सॉलिड व्हेन इट इज अ कैप्ट इन अ वार्म प्लेस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइस इंक्रीजेस द एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द ब्रिजेस स्टेटस दे बिकम लूजली पैक एंड फ्रॉम वाटर द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इन टू लिक्विड स्टेट इज अ कॉल मेल्टिंग। बर्फ बर्फ एक ठोस है, जब इसे गर्म स्थान पर रखा जाता है तो वो पिघलने लगता है। बर्फ के अणु में बढ़ जाते हैं और वे कठोर से मुक्त हो जाके के प्रवाही रूप में आ जाता है। फ्रीजिंग व्हेन यू कूल वाटर द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पिक इन टू अ रिजिड शेप ऑफ फ्रॉम आइस द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड टू फ्रीजिंग। जब हम बर्फ बनाने के लिए पानी फ्रिज में रखते हैं तो पानी प्रवाही रूप में होता है, लेकिन वो जब बर्फ बन जाता है तो वो लिक्विड से निकल के वो कोल्ड हो जाता है और ठंडा बन जाता है। MCQ है वन हीटिंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड फर्स्ट एयर इंक्रीजिंग ऑन कूलिंग वाटर चेंज इन टू आइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन गैसेस सॉलिड इन वाटर टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ शुगर इन इट एंड स्टिर यू फाइंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिस्टर्ब Where have the sugar participants gone? The molecules of sugar take up the space between the molecules of water. So we say that sugar gas dissolved in water. एक गिलास पानी ले और इसमें चीनी से कुछ क्रिस्टल डाले और हिलाए। आप पाते हैं कि धीरे धीरे चीनी के जो गन होते हैं वो गायब हो जाते हैं और चीनी और पानी दोनों एक हो जाता है। Liquids in water. You must have seen a painter removing paint from his hand by using turpentine oil and not water. This is because paint gets dissolved in turpentine oil and is easily removed wherever paint does not dissolve in water. Some of the liquids when mixed together dissolve in each other. These are called miscellaneous. For example, liquids like glycerin and alcohol dissolve in water. I see they and material however the some liquids when mixed together do not dissolve in each other there are immiscible for example kerosene oil and vegetable oil do not dissolve in water they are immiscible लिक्विड इन वाटर यानी कि पानी के तरल पदार्थ। आपने चित्रकार को कभी भी चित्र बनाते हुए देखा है जो उसके जो कलर होता है उसके अंदर वो पानी नहीं मैच करता, उसके अंदर वो टर्पेंटाइन डालता है जिसकी वजह से वो पानी टर्पेंटाइन और कलर दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, पानी में नहीं घुलता हो, यानी जैसे कि कलर के अंदर पानी नहीं अच्छे से घुल सकता है। कुछ तरल पदार्थ अब जब एक साथ मिश्रित होता है तो एक दूसरे से बहुत घुल जाते हैं। इन्हें गलत कहा जाता है कि ये एक उदाहरण है, ग्लिसरीन और केरोसिन जैसे तरल पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, यानी कि ये गलत है। तथापि ये कुछ तरल पदार्थ जब एक साथ मिश्रित होते हैं तो एक दूसरे में नहीं घुल सकते। गैसेस इन वाटर व्हेन यू बॉइल वाटर यू ऑब्जर्व सम बबल्स आर फॉर्म अलोंग द स्लाइड ऑफ द ब्रेकर दिस आर द डिसॉल्वड गैसेस दैट गैस स्पेटेड फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिसॉल्वड इन वाटर फॉर एग्जाम्पल वाटर इन रिवर्स ओशन एंड लेक हैज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्वड इन इट यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू ओपन द बॉटल ऑफ वाटर एंड ड्रिंक द बबल्स ऑफ गैस कम आउट दिस आर बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच हैव बीन डिसॉल्वड इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर गैस में पानी
जब आप पानी उबालते हैं तो आपने कुछ बबुल मुलबुले बनते हुए देखा होगा। बिगर के जैसे कि दरिया किनारे का पानी होता है, पानी उसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। जब ये दरिया का पानी जैसे कि रिवर, ओशन, लेक, इन सब का पानी होता है, वो ऑक्सीजन के रूप में ऊपर जाता है और वो बादल बनते हैं, उसके बारिश होती है। आपने देखा होगा कि जब आप बालित पानी बोतलों को जब भरी हुई पानी की बोतल आप खोलते हैं तो उसके ऊपर से फिर से गैस और बबुल निकलते हैं। ये बबुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पानी के भीतर उजुली हुई है उसे वो बाहर निकलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मैटर व्हेन वी हैट योर सप्रेशन इट्स साइज इंक्रीजेस। दिस इंक्रीजेस इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ मैटर। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इंक्रीजेस एंड द स्पेस बिटवीन देम ऑल्सो इंक्रीजेस ऑल्सो द सप्रेशन एक्सपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल टू ओपन अ टाइट मेटल लीड ऑफ अ जार वी डिप इन टू इट इन टू हॉट वाटर बिकॉज द हीट ऑफ वाटर कॉज दैट द लीड इज एक्सपेंडेड अ लिटल एंड इट ओपन्स आउट इजीली। सामग्री का विस्तार, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। पदार्थ के आकार में इस वृद्धि को एक्सपोज कहा जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने के कारण उसके जो कण गति बढ़ जाती है और अंतरिक्ष छल लगा लेता है, इनमें शुद्धि भी होती है, इसलिए पदार्थ को विस्तार कहा जाता है। कंडक्शन ऑफ मैटर व्हेन वी कूल अ सब्सटेंस इट्स साइज डिक्रीज। दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ मैटर। ऑन कूलिंग द रिमूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ मैटर स्लो डाउन द बिकम दे बिकम कॉल क्लोज टू ईच अदर एंड स्पेस बिटवीन देम डिक्रीज सो द मैटर कॉन्टैक्ट्स। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी केबल डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर व्हाइल दे हैंग लूजली फ्रॉम पोल्स इन समर। सामग्री का अनुबद्ध, जब हम पदार्थ को ठंडा करते हैं तो उसका आकार घट हो जाता है, यह सड़ जाता है और पदार्थ का संकुलन हो जाता है। कुकिंग पर पदार्थ के कणों को गति धीमी धीमी जाती है, ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इनके बीच का कोई प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए ये सॉलिड हो जाता है। यही कारण है कि बिजली के केबल को सदियों से ढीले दिखाई देते हैं जबकि वो गर्मियों में धुओं से स्थिर हो जाते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस व्हेन द चेंज अकर्स ओनली इन द शेप साइज एंड द स्टेट ऑफ मैटर इट इज अ कॉल्ड फिजिकल चेंज। इट इज अ टेम्पररी चेंज एंड कैन बी रिवर्ट। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंज। फिजिकल चेंज में ऑक्सीजन ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हीट वाटर इट चेंज इन टू स्टीम। ऑन कूलिंग स्टीम इट चेंज इन टू वाटर अगेन। सिमिलरली व्हेन यू फ्रीजर वाटर इट चेंजेस इन टू आइस। ऑन कीपिंग द आइस इट अ वार्म प्लेस इट चेंज इन टू वाटर अगेन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर स्टेटरिंग ऑन ऑफ रूबर बैन एंड कटिंग ऑफ हेयर। फिजिकल चेंजिंग यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जब परिवर्तन केवल आकार में होता है, अर्थ की थर्ड व्यवस्था, इसलिए भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यह एक अस्थायी बदलाव है और उल्टा हो सकता है, इसलिए परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आप पानी को जैसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी पानी ही रहता है, उसके अंदर बर्फ़ नहीं बन जाती। बर्फ़ बनाने के लिए हमें उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। वाटर हीटिंग और कूलिंग स्टीम। वाटर कूलिंग और हीटिंग आइस सॉलिड। हीटिंग और कूलिंग लिक्विड वेक्स। केमिकल चेंजेस व्हेन द मैटर चेंजेस ऑल टुगेदर टू फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस इट इज अ कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इट इज अ परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स। फ्रॉम एग्जाम्पल व्हेन यू बर्न इन पीस ऑफ पेपर ही चेंजेस इन टू आस। दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी बर्न पेपर इट इज इट चेंज इन टू अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आस एंड ही कैन नॉट गेट द पेपर बैक। अदर Examples of chemical changes are making a chapati, curdling milk of etc. Chemical change. पदार्थ इस रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, यह एक स्थायी परिवर्तन है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब आप कागज़ का एक टुकड़ा जलाते हैं तो उसे वो राख हो जाता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हम जलाते हैं तो उस यह राख नमक एक पूरी तरह से नए पदार्थ में बदल जाता है और हम कह सकते हैं कि वापस वो कागज़ नहीं बन सकता। यह एक रासायनिक उदाहरण है।